गिवन है वैल्यूज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन एक्स, एफ ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ थ्री पाई बाई टू इज इक्वल टू बी। तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो यहाँ पे हम यू फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स को, वी ले लेते हैं वन को। तो ये हमारे पास आएगा कि एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स फ्रॉम पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू डी ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स होल डी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, इसमें वन का तो एक्स हो जाएगा, तो एक्स एफ ऑफ एक्स फ्रॉम पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू, वन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया और ये हो जाएगा एफ डैश एक्स डी एक्स। अब एफ डैश एक्स हमें गिवन है कॉस एक्स अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स एफ ऑफ एक्स फ्रॉम पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा एक्स एफ ऑफ एक्स फ्रॉम पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा एक्स एफ ऑफ एक्स लिमिट्स हैं पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंट इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, फ्रॉम पाई बाई टू टू थ्री पाई बाई टू लिमिट्स रखते हैं तो हमें मिलेगा थ्री पाई बाई टू एफ ऑफ थ्री पाई बाई टू माइनस ऑफ पाई बाई टू एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस साइन ऑफ थ्री पाई बाई टू माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई बाई टू। अब अगर हम वैल्यूज देखें तो एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू ए है, एफ ऑफ थ्री पाई बाई टू की बी है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा थ्री पाई बाई टू इंटू बी माइनस पाई बाई टू इंटू ए माइनस ऑफ माइनस वन दैट इज अगर हम पाई बाई टू को कॉमन ले लें तो थ्री बी माइनस ए प्लस टू। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रेशन।